सिमरजीत सिंह मान ने संविधान की धारा 14-19 के मुताबिक साडा राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन है, वो तहत कानूनी तौर पर असी आए से कश्मीर के गैर कानूनी काम करके सानू रोक दिता। असी कश्मीरियों का पता लेना सी, इतों के हिंदू वीर का पता लेना सी, मुसलमानों का लेना सी, सारे का पता लैन लिए असी आए, साडा राइट सी। ते एक चुने हुए MP नूं रोक के जमहूरीयत का जिहड़ा कतल कर दिता। मोदी की सरकार BJP RSS की सरकार ने साडे नाल बहुत वड्डा धक्का किया, जुल्म किया। असी कठुए अदालत दे विच केस पाया सी कि सानू दस्या जावे क्यों रोकया गया, साडा राइट है सानू जान दा। इस करके सरदार सिमरजीत सिंह मान अपने वफद समेत अज असी कल अदालत की तरीक नूं देखण आए हैं। सारयां नूं वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज सरदार सिमरनजीत सिंह मान प्रधान श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, मैंबर लोक सभा जो संगरूर तो जितते हो, अपने वफद दे नाल सरदार प्रोफेसर महिंद्रपाल सिंह जी साढ़े जनरल सैकटरी, सरदार गुरसेव सरदार हरपाल सिंह जी बलेरी भी साढ़े जनरल सैकटरी, साढ़े कश्मीर के इंचार्ज सरदार हरभजन सिंह जी कश्मीरी, सरदार बलजिंदर सिंह जी लसोई, सरदार अमृतपाल सिंह जी, तो सारी असी टीम अज इत्थे कश्मीर दा दौरा से उस करके पहुँचे हैं। पिछले दिन ही सरदार सिमरजीत सिंह मान ने संविधान की धारा 14-19 के मुताबिक साडा राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन है, वो तहत कानूनी तौर पर असी आए से कश्मीर दे विच गैर कानूनी काम करके सानू रोक दिता। असी कश्मीरियों का पता लेना सी, इतों के हिंदू वीर का पता लेना सी, मुसलमानों का लेना सी, सारे का पता लैन लिए असी आए, साडा राइट सी। ते एक चुने हुए MP नूं रोक के जमहूरीयत का जिहड़ा कतल कर दिता, उस संबंध दे विच साडे नरेंद्र सिंह जी खालसा ते साडे वीर अपने इंद्रजीत सिंह जी साडे मीत प्रधान सी सीनियर, ते असी कठुए अदालत दे विच केस पाया सी कि सानू दस्या जावे क्यों रोकया गया। उस संबंध दे विच कल साडी तरीक है इस अदालत दे विच कि साडा राइट है सानू जान दा। इस करके सरदार सिमरजीत सिंह मान अपने वफद समेत अज असी कल अदालत की तरीक नूं देखण आए हैं कि हुण साडे नाल अदालत न्याय करदी है कि नहीं करदी। उधर मोदी की सरकार BJP RSS की सरकार ने साडे नाल बहुत वड्डा धक्का किया, जुल्म किया, जदों कि जे एक चुनिया होया MP नहीं जा सकता। हाँ, देखो किस तरीके फोर्स लग गई है, कित्थे तां स्वागत नाल इक MP नूं लिआउणा चाहीदा सी, जिहड़े इत्थों दे चुने होए। जे अमित शाह वो भी चुनिया होया MP है, तो मोदी साहब भी चुनिया होया MP है, तो जे उन्नियां वोटां मान साहब नूं पै जाण, वह इंडिया का प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जे बहुमत मिल जाए, सब तो उच्ची चोण इन्होंने जीती है, तो फिर जे अमित शाह इत्थे आ सकता है चुनिया होया MP, तो फिर सरदार सिमरजीत सिंह मान क्यों नहीं आ सकता। ये जमहूरीयत का कतल होया पाया, इस करके कल नूं असीं तरीक वेखांगे, जिवें सानूं अदालत कहूगी अगला स्टैप असीं लवां। कानूनी बंदे हैं, कानून के मुताबिक असीं लड़ाई लड़ा। सिंह साहब पिछली बार जदों तुसीं आए सी तुहानूं लखनपुर जिहड़ी आए तरीक ते आए, साडा हक सी असीं आ गए इत्थे, जे उत्थे सानूं रोक लैंदे असीं उत्थे रुक जाणा सी, इस करके असीं अपने ढंग नाल इत्थे पहुंच गए। फिर अगे देखांगे जी, असी जमहूरीयत बंदे हैं, जो रोकणगे कानून दा कतल करनगे, असी जमहूरीयत पसंद बंदे हैं। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਸੁਰਖੀ ਬਟੋਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ।
क्योंकि इंडियन स्टेट ना चलते है, वो जालमा ना चलते है, जेडे जुल्म करते उन्होंने चलते है, असी जुल्म नू रोकने वाले बंदे हैं।